पूरा जिला जो है एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए जो अब हल्दी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड घोषित किया वो भी जल्दी चालू करना चाहिए, और जो बाकी एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। वो एक्सपोर्ट का कोई अपने को निज़ामाबाद जिला में सी फोर्ट नहीं है, इसलिए ड्राई फोर्ट का एक इंतज़ाम करके जो भी खेती उगलता, जो भी किसान ये खेती करते हो उन लोग वो एक्सपोर्ट करने के वास्ते सुविधा लाना चाहिए। हल्दी का बोर्ड सबसे ज़्यादा एक हिस्टोरिकल पेंडिंग जो था वो लेके आ गए, कोई भी पार्टी नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी करा। हल्दी कैसा मार्केट करना ये सिखाए हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार, कैसा रेट्स बढ़ाना। यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, हल्दी की फैक्ट्री, मक्का के फैक्ट्री, ये शुगर केन फैक्ट्री, ये सब शुगर केन फैक्ट्री, निज़ाम शुगर फैक्ट्री जो है वो भी रिवाइव हम ही करेंगे। 66 शुगर फैक्ट्रीज देश में मोदी जी की सरकार पिछले 4-5 साल में 9,005 करोड़ का बजट से रिवाइव करे। जैसे ये निज़ाम शुगर फैक्ट्री बंद हो गया था, ये सब बंद पड़े शुगर फैक्ट्री खोल दिए, ये सब हमारे अपने एरिया के जो तालुकात में है ये काम यहाँ पे हो चुके हैं और आगे हम करने वाले हैं। पॉजिटिव जीतने का पॉजिटिव माहौल तो है, हमारे जीत रहे भी बीजेपी के कैंडिडेट का भी उतना जीतने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें एक बार एमपी बना झूठे वादे करके, वो वादा पूरा नहीं कर लिया, पब्लिक में गुस्सा भी है, उसके कैडर में गुस्सा है। वो पूरा नेशनल इशू का नेशनल ब्रांडिंग है, क्योंकि हल्दी का भी इशू है। यहाँ के एमपी अरविंद साहब ने बड़े बड़े बातें बोले, खाली बातें करे, आवाम को तो कुछ नहीं करे, वो तमाम इलेक्शन में हम सुनाएंगे।